कोई चीज है फोकस करते हैं उसी पे लंबा खींचेंगे सारे अवार्ड जीते हैं श्रद्धा कपूर बस ये चार चीजें और प्राइमरीली अवार्ड प्राइम नंबर वन होली उस पे खींचते हैं गाने वाने गाते हैं मस्ती करते हैं होली इज अ वेरी आई थिंक जितने भी फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में वी लव इट बिकॉज ये सबसे ज्यादा फन फील्ड है एंड मीट रोज इज ऑल अबाउट फन वीर ऑल अबाउट एनर्जी वीर ऑल अबाउट यू नो गोइंग आउट एंड बेसिकली हैविंग फन सो होली से फन फील्ड फेस्टिवल कोई नहीं होता और इस बार अलग होली है क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है हमारे देश में एंड वी आर स्पेशली डूइंग दिस होली एंड वी आर कॉलिंग इट सेव द वाटर होली बैश क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ये बताना चाहते लोगों को कि जरूरी नहीं कि कोई फेस्टिवल मनाने के लिए कुछ एक वो किसी एक या दो चीज़ों पर निर्भारित मतलब इट्स नॉट निर्भर नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर वो आपको फेस्टिवल को एंजॉय करना है वो आप कैसे भी कर सकते हो इसीलिए हम बिना पानी के होली कर रहे हैं उसमें हमने बहुत सारा म्यूजिक भर दिया है कि हम पहली बार मुंबई में परफॉर्म करने वाले हैं और डीजे अकील हमारे साथ प्ले करने वाले हैं यही है कि हमने कहा भाई हर साल क्या है बहुत पानी वाली तबाही वाली होली होती है इस साल हम जरा क्लीन एंड क्लियर यहाँ पे भी किसी का फोन पर फिर से होता है तो हमने नोट करा कि हर साल बड़ी पानी वाली बड़ी तबाही वाली होली होती है कीचड़ तबाह बहुत गंदगी होती है तो हमने कहा एक क्लीन होली खेलते हैं और हमारे जितने सेलिब्रिटी दोस्त हैं वो निकलते नहीं है यही सोच के कि पब्लिक में जाने में दिक्कत है कलर्स ख़राब होते हैं तो हमने एक बड़ी कूल सेलिब्रिटी होली प्लान करी है यहाँ अंबानी हॉस्पिटल के सामने करमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंधेरी में तो वहाँ पर सब अपने डीजे अकील डीजे शिल्पी शिबानी कश्यप खुशबू ग्रेवाल और मीत ब्रदर्स हम सब लोग धमाल करने वाले हैं इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम और होली इज अ सेलिब्रेशन मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे पूरे साल हमारे हिंदुस्तान में फेस्टिवल्स होते रहते हैं लेकिन मीत ब्रदर्स का फेवरेट है फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है सब एक दूसरे से ज़्यादा मस्ती करते हैं क्या है दिवाली पे चलो दिए जलाए आपने पटाखे चलाए सभी फेस्टिवल्स बहुत बढ़िया हैं लेकिन यहाँ सब जवान हो जाते हैं एकदम से निकलते हैं सुबह सुबह घर में सुबह का फेस्टिवल है ये भी एक डिफरेंट दिवाली राखी और मोर फैमिली ओरिएंटेड फेस्टिवल्स ये दोस्तों का त्यौहार है बहुत मस्ती वाला त्यौहार है एंड वी लव इट ओके सर मॉनसून हो के अभी तो बीइंग अ सेलिब्रिटी आप इतने पॉपुलर हैं बहुत हैपनिंग रहती है आपको कोई भी इवेंट हो आपका हर दिन बड़ा हैपनिंग रहता है थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं बचपन में छोटे थे तो कैसे होली खेलते थे गुब्बारे वगैरह मारते थे या पानी से कितने नॉटी थे आप कितनी वाइल्ड होती थी आपकी होली होली हमेशा सबसे ज्यादा मजा उसमें वही आता है कि जब आप छुपके किसी गुब्बारा मारते हो और आदमी देखता रहता है गुब्बारा पड़ा कहाँ से छत से खड़े होके तो हम लोग बचपन में स्टार्ट हमारी जब बहुत छोटे थे तो यही होता था कि हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे तो इतना बड़ा बड़े बड़े गुब्बारे आते थे तब उसको भर के ऊपर से फेंक के गायब हो जाते थे हम लोग और उसके बाद बड़ा मजा आता था देख के जो आदमी जो और होली खेलने का मजा उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो होली खेलना नहीं चाहते जो लोग रंग लगवाना नहीं चाहते उनको रंग लगाने में बड़ा मजा आता है तो इट्स ऑल अबाउट यू नो ट्रबलिंग अदर्स मनमीत स्पेशली जाता था ढूंढने की किसने सफेद कुर्ता पजामा पहना है और हम लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश गांधीनगर में रहते थे एक कॉलोनी में तो वहाँ जाके ये साइकिल पे निकल जाता था होली के दिन कि मैं तो जा रहा हूँ जो लोग सबसे क्लीन चल रहे हैं अंकल आंटी उन्हीं को मारूंगा चलो हरमीत ने मेरी एक पोल खोल दी तो एक मैं हरमीत की खोल देता हूँ कि इसको बचपन से अंडों से खेलने का बड़ा शौक था इसने इतने अंडे मारे हैं लोगों में होली पे कि आज तक बेचारों की नील गए नहीं होंगे बॉडी से मेरे को पापा मेरे पापा मम्मी अंडा खाना नहीं देते तो मैं सोचता था दूसरों को मार दूं तो होली में कई बार आप अंडे घर वालों पे भी मार देते बिल्कुल हाँ सब पे, जो दिख रहा है उस पर अंडे पड़ रहे हैं हाँ मम्मी बहुत सीधा था तो मैं सबसे ज्यादा इसी में मारता था कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कहीं लड़ाई झगड़े हुए होली के दौरान जहाँ पे आपने कुछ ऐसा नॉटी कुछ ऐसा किया हो कि लोग नाराज हो गए हो या फिर उनको शिकायत रही अभी कुछ साल पहले नहीं ऐसा झगड़ा वगड़ा तो कभी नहीं हुआ हम लोग लेकिन हमारा कुछ साल पहले हम लोगों ने भांग ज्यादा पी ली थी और भांग पीने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था और मेरे को शिव जी के दर्शन हुए थे तब शिव जी ने बताया कि जिंदगी असल होती क्या है तब से उन्होंने साथ छोड़ा नहीं है अभी तक मेरी डायरेक्ट फोन कॉल पे ISD कॉल चलती रहती है उनके साथ अभी भी चल रही है बैक यहाँ बैक ऑफ द माइंड और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं और उनको यही हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है लेकिन ऑब्वियसली इसको आपको कायदे से खेलना चाहिए कि कुछ ऐसे कलर्स आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं निकालने उनका इस्तेमाल ना करें वैसे ही वाटर बेस्ड है तो पानी से तो खेलने का मतलब ही नहीं क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम है तो इट शुड बी फन फील्ड मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे जिसका आदमी जो है शाम तक अगले दिन तक अगले 5 दिन तक परेशान हो रहा हो बचपन में याद है कि हम होली खेल रहे थे और तब कांच की एक बॉटल के अंदर पिचकारी बना के हम लोग यहाँ भाग रहे थे और वो अरमी का पैर फिसला गिरा और वो कांच की बोतल टूटी और एक कांच उसके अंदर घुस गया
और वो सांस नहीं ले पा रहा था, और वहाँ पे बाई चांस एक आंटी थी, आंटी नहीं वो बिक्की, मेरा एक दोस्त था बिक्की बल्लू बल्लू, तो बल्लू ने खींच के निकाला वो बाहर और एकदम से सांस आई। तो बड़ा मतलब इसमें बहुत थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसको आप ठीक से ना खेलें। वो अलग बात है कि अगले 5 मिनट फिर रमित यहाँ बढ़ता नजर आ रहा था, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई ओ माई लाइफ टू दैट गाय, वो पता नहीं कहाँ है अभी, तब मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन डेफिनेटली उसने मेरी जान बचाई थी। हरमीत परवीत मॉनसून के, क्योंकि अभी आपकी इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं, आपके फैमिली, व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दैट, आपके जो बहुत क्लोज हैं वो तो आई थिंक वो साइड में खड़े रहेंगे, वो पर्सनली आप उनको रंग लगाएंगे, विश करेंगे, क्या करेंगे आप उनके लिए, अलग पार्टी है? नहीं, सब फैमिली के साथ है ये फंक्शन, जितने हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, और फेस्टिवल है, इट्स नॉट लाइक जैसे हमारे पीछे अभी सक्सेस पार्टी हुई थी हमारे अवार्ड्स के लिए, तो ये वैसी सक्सेस पार्टी नहीं है, ये एक त्यौहार है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में त्यौहार हमारे फेमस हैं वो वर्ल्ड ओवर, तो फैमिलीज के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए, तो सबको हम बराबर अटेंशन देंगे, सबके लिए गाने गाएंगे, रंग बरसे गाएंगे और रंग बरसाएंगे। कोई भी होली, क्योंकि लड्डू होगा, भांग का, रंगों का त्यौहार है, कोई एक गाना जो आपको याद आता है मोस्ट ऑफ टाइम होली का एक त्यौहार होता है, आपका अपना कंपोजिशन या कोई पुराना गाना? देखिए होली का तो ये हमारे हिंदुस्तान का एक नेशनल एंथम है, और अब हम शोज करने जाते हैं, पूरी दुनिया में शोज करते हैं, तो वो गाना जब हम गाते हैं तो होली हो या नहीं हो उस पर जो लोगों की एक एक शोर और एक जज्बा नज़र आता है, तो वो एक कमाल का गाना ऐसा बना कि वो आज तक का नेशनल एंथम है हमारा होली का, तो हम आपको वही गा के सुनाएंगे। रब ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया, ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, इसी बात पे पाड़ी तो बनती है पा 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 पा, पाड़ी तो बनती है पा 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 पा। वेरी गुड, हैप्पी होली। क्योंकि हम देखते हैं कि आप दोनों ही ब्रदर बहुत नॉटी रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सेलिब्रिटी से कुछ शरारत होने वाली है इस पार्टी में, कुछ सरप्राइजेज हैं जो खुलने वाले हैं, अभी यहाँ शेयर करना चाहें आप? हमारी शरारतें सब ऑन द स्पॉट ही होती हैं, हम लोग प्लान स्क्रिप्ट लिख के नहीं प्लान करते हैं, लेकिन जब ऐसे होते थे ना कृष्ण जी, जब शरारत करते हैं तो कोई प्लान नहीं करते, हम लोग ऑन द स्पॉट जो मूड बनता है, माहौल बनता है, ये है कि म्यूज़िक होगा, मस्ती होगी, धमाल होगा, और हमारे जब क्या सब एक फ्रेंड्स इकट्ठे होकर इतना बड़ा ग्रुप, जब 200-250 सेलिब्रिटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने 500 को बुलाया तो 200-250 लोग भी आते हैं, तो अपने आप ही माहौल बन जाता है अगर सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वैसा है। और होली तो त्यौहार ही बड़ा नॉटी है, तो नॉटीनेस तो होगी, इकलौता त्यौहार है जहाँ पे आपको सबके गालों पे हाथ लगाने का मौका मिलता है, तो वो कोई नहीं छोड़ता। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई एक एक्ट्रेस जिसके गालों पे रंग लगाना चाहें? मैं तो जैकलिन के गालों पे रंग लगाना चाहता हूँ, एक से मेरा कुछ बहुत चिट्टियाँ हैं, उनकी कलाइयाँ भी और उनके गाल भी, तो चिट्टी कलाइयाँ और चिट्टी गाल पे रंग लगाने में बड़ा मजा आएगा। और एक से मेरा कुछ नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रंग लगाऊँ तो फिर सभी को लगाऊँ। हरमीत को बचपन से बुफे खाने का बहुत शौक है रेस्टोरेंट में भी नहीं तो सभी, क्योंकि मैं बायस नहीं हो सकता, मैं किसी पार्शल नहीं हो सकता, हमारे जितनी हम फिल्म्स कर रहे हैं, हम तो इस वक्त हमने सब इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर लिया है और सभी हमारे लिए मेरी फेवरेट हीरोइंस हैं, तो मैं सभी के गालों पर रंग लगाना चाहता हूँ।